दिल्ली के अमन विहार में स्कूटर पर आए दो बदमाशों ने पुष्कर नाम के एक आदमी की रात में गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पुष्कर अपने कुत्ते के साथ घर के पास टहलने के लिए निकला था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या के पीछे रंजिश का शक जाहिर किया था। हिमाचल में किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव का एक ऑडियो लीक होने के बाद राज्य की जयराम ठाकुर सरकार निशाने पर आ गई। एसोसिएशन के सचिव ताराचंद पर आरोप लगा कि उन्होंने किन्नौर की डिस्ट्रिक्ट टीम में मंत्री वीरेंद्र कंवर के परिवार के एक सदस्य को खिलाने के लिए दबाव बनाया था और उनका जो ऑडियो सामने आया उसमें वो मंत्री वीरेंद्र कंवर के नाम का जिक्र करते हुए साफ सुने गए। ये ऑडियो जून महीने का बताया गया जब बिलासपुर में किन्नौर की टीम 3 मैचों की सीरीज खेल रही थी। टीम में करण नाम के खिलाड़ी को जगह नहीं मिल पाई थी जिसके लिए किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने सिफारिश की। इस मामले में न्यूज 18 को उनकी एक ऑडियो क्लिप भी मिली जिसने अब कई सवाल खड़े कर दिए। मंत्री जी हमारे HPCA के वाइस प्रेसिडेंट है, वो वीरेंद्र कंवर जी, आपको पता ना? हाँ जी। हाँ, उनके परिवार का लड़का है वो। अब कैसा खेलता क्या खेलता मुझे नहीं पता, देखो खिलाना पड़ेगा। करण को पहले मैच में रखना और मुझे कल टीम लिस्ट भेजनी है, ठीक है ना? सिफारिश के बाद जब मंत्री के परिवार के सदस्य को टीम में जगह नहीं दी गई तो किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने डिस्ट्रिक्ट टीम के कप्तान को धमकाया भी था। इस धमकी की भी एक ऑडियो क्लिप सामने आई। हेलो, हाँ भाई। हाँ जी, नमस्कार सर। अच्छा सर, ये करंट को क्यों नहीं खिलाया? हाँ जी सर, करंट को क्यों नहीं खिलाया? सर बन नहीं रहा था सर उसको। क्या नहीं बन रहा था? क्या बनाना था उसने? कोई चुनाई करनी थी उसने? कैसे सर? कोई चुनाई फ्लप करना था, बन नहीं रहा था, क्यों नहीं खिलाया उसको? मैं पूछ रहा हूँ खिलाया क्यों नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं। सर कोच सर से बात करके टीम बनाई थी सर मैंने ना। कोच कौन होता? कोच मैं बोल रहा हूँ। मंत्री के नाम की धौंस देने वाले किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में ऑडियो को सही माना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, एक षड्यंत्र है किन्नौर एसोसिएशन को बदनाम करने के लिए, सबसे बड़ी साजिश है। हमने एक प्लेयर के लिए मैंने आग्रह किया था, पहले मैच में उसको नहीं खिलाया, दूसरे में नहीं खिलाया, तीसरा मैच भी होने लगा तब भी नहीं खिलाया, तब मैंने उसको स्पेशली फोन करके बोला भाई उसको मौका दो। मामले में विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए भी इस पर जवाब देना मुश्किल हो गया। मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी सत्यता क्या है वो जानना जरूरी है। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा विस्तार से उसकी जानकारी, मैंने सिर्फ जानकारी हासिल की है। जब इसकी ठीक जानकारी